पीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाई, बनना था एसडीएम। लेकिन जब परीक्षा पास नहीं कर पाई तो बन गई फर्जी एसडीएम। जी हाँ, इंदौर में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। एक ऐसे महिला को पकड़ा गया है जिसने अपने को छद्म जानकारी देकर के आई कार्ड लगभग बना करके 100 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने का दावा किया है। और मुख्य तौर पर उसकी जब पहचान सुनिश्चित की गई तो पता चला कि वो सागर की मूलता रहने वाली है। पूर्व में भी इस तरह धोखाधड़ी के आरोप उस पर लगे हैं, लेकिन पहली बार इतने सारे मोबाइल में जो दस्तावेज मिले हैं उससे प्रमाणित होता है कि काफी बड़ी संख्या में इस तरह के दस्तावेज बना करके लोगों को ठगा है। लगभग ऐसे शिकार की संख्या प्रथम दृष्टया 100 मिली है, लेकिन और कई 100 हो सकती है। इसके साथ गलत आई कार्ड्स मिले हैं, लोगों के गलत डॉक्यूमेंट इसके तरह बनाए गए हैं। इसने अपने को एसडीएम के रूप में लोगों को बताया, गाड़ी पर वाहन पर इसने शासन लिखवा रखा है, मध्य प्रदेश शासन। इसने एक फर्जी खिलौने की दुकान से पिस्टल मंगा करके और बाकी यूनिफॉर्म गलत तरीके से खरीद करके इसने गनमैन रख रखा है। इस तरह की बहुत सारी इसमें दुर्प्रभाव और इसका कई पहलू सामने आए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदक जब सामने आ रहे हैं इसका खुलासा होने पर, तो सभी मामलों में अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। और उस पैसों की रकम काफ़ी बड़ी है, एक एक लोगों से, इसने अलग अलग लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन चूंकि नौकरियां ये सारे फर्जी थे, किसी को मिला नहीं, इसलिए आवेदक अब सामने आ रहे हैं। तो लगता है कि कुछ दिनों में पूरी स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।